नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे ब्रायन ट्रेसी का सक्सेस प्रिंसिपल शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सक्सेस प्रिंसिपल से। दीर्घकालीन सोचें, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन रखें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने अमेरिका में 50 वर्षीय अध्ययन किया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये पता लगाना था कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में लोगों के शून्य से शिखर तक पहुंचने के क्या कारण हैं। उनका निष्कर्ष था कि जीवन में बड़ी सफलता पाने वाले लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण था दीर्घकालीन दृष्टिकोण, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन। बॉर्नफील्ड कहते हैं कि सफलतम व्यक्ति लॉन्ग टर्म थिंकर होते हैं। वे भविष्य में जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक देखकर यह तय करते हैं कि वो कैसा बनना चाहते हैं और वो कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फिर वो वर्तमान में लौटकर तय करते हैं कि अपने मनचाहे भविष्य को पाने के लिए वो कौन सी कार्य करें। महान व्यक्ति जिस लक्ष्य पर पहुंचे और बने रहे, वहां वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुंच गए। वास्तव में जब उनके साथी सो रहे थे तब भी हर रात वे ऊपर चढ़ने का श्रम कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों दूर तक सोचें, भविष्य की योजनाएं बनाएं, वर्तमान में कड़ी मेहनत करें। दीर्घकालीन सोच की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे, आप ज़्यादा सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके कार्यों के भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। नंबर 2, आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। कई लोग अपनी जिंदगी उस कुत्ते की तरह जीते हैं जो गर्मियों में मैदान में एक खरगोश का पीछा कर रहा है। जब कुत्ता खरगोश के पीछे भागता है तो अचानक दूसरा खरगोश निकल आता है और उसे देखकर कुत्ता अपनी दिशा बदलकर दूसरे खरगोश का पीछा करने लगता है। जब दूसरे खरगोश को पकड़ने के लिए बहुत करीब होता है तभी एक तीसरा खरगोश निकल आता है और कुत्ता एक बार फिर तीसरे की दिशा में चल पड़ता है। शाम तक कुत्ता थक जाता है और एक भी खरगोश नहीं पकड़ पाता। यह बहुत सारे लोगों के जीवन और करियर की कहानी है। लोग अपने लक्ष्य व उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते, इसीलिए वो पहली नौकरी करते हैं और फिर दूसरी की तरफ चल देते हैं। जिस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता वह सबसे समतल सड़क पर चलकर भी कोई प्रगति नहीं कर पाता। दूसरी ओर जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वह सबसे मुश्किल सड़क पर भी प्रगति कर लेता है। सफल होने के लिए इंसान को सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, आपको सटीकता से तय कर लेना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन सी कीमत चुकाएंगे, फिर उस कीमत को चुकाने में व्यस्त हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अनुशासित रहिए। उस काम को करना आसान होता है जिसे करने का मन हो, जो मजेदार, आसान और आरामदेह हो। लेकिन जब किसी कठोर और मुश्किल काम को करने की बात आती है तो आपको न्यूनतम प्रतिरोधक वाले मार्ग पर चलने की अपनी इच्छा से जूझना पड़ता है। इसी समय अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अचरज की बात है कि जब आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं उतना ही खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ज़्यादा अच्छे और शक्तिशाली बन जाते हैं। आप जितने ज़्यादा अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा काम कर पाते हैं, उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। नेक्स्ट, सफलता लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। महान उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको स्पष्ट व निश्चित लक्ष्य और योजना की ज़रूरत है। आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मिसाइल अपने लक्ष्य तक सटीक उड़ान भरती है, परंतु इससे पहले लॉन्च करना पड़ता है। गाइड मैकेनिज्म के कार्य को शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य की ओर गतिशील होना होगा। ठीक उसी प्रकार अपनी क्षमता और शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले आपको भी मिसाइल की तरह लॉन्च होना होगा। आपका हर कदम एक्शन होना चाहिए। आपको असफलताओं के डर से छुटकारा पाना होगा। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति बनानी होगी जिसमें निराशा के लिए कोई स्थान ना हो। कंफर्ट जोन छोड़कर थोड़े से जोखिम के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट, टीम वर्क। अगर आप जो कर रहे हैं वह आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रहा है तो वह आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक भाग्य उम्मीद के मुताबिक होता है। अगर आप अधिक भाग्य चाहते हैं तो अधिक जोखिम उठाएं, अधिक सक्रिय रहें।
आप जो कुछ भी करते हैं उसकी शुरुआत इच्छा या भय की भावनाओं से शुरू होती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब आप कुछ नया ट्राई करने में अजीब और असहज महसूस करने को तैयार हो। खुद को सुरक्षित करने या बहाना बनाने के लोभ से बचें। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी कमाने की क्षमता है। आपका सबसे बड़ा संसाधन आपका समय है। नेक्स्ट, आत्मविकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बस ये मायने रखता कि आप कहाँ जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश लोग वे होते हैं जो खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों की पूरी जिम्मेदारी लेने का स्वाभाविक परिणाम है। आप जितना अधिक सुरक्षा चाहेंगे उतनी कम आपको मिलेगी, लेकिन आप जितना अधिक अवसर खोजेंगे उतना अधिक संभावना होगी कि आप जो सुरक्षा चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।